Hey everyone, welcome back. Today we are going to do the question number 2 of exercise 10.1 of class 9th. If you are new to this channel, please do subscribe and do like this video. और आपको class 9 की playlist का link भी description box में मिल जाएगा. आप वहाँ से check कर सकते हो. चलिए शुरू करते हैं question number 2. देखिए क्वेश्चन क्या है. द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, ये कोई भी एक हमारे पास फ्लाई ओवर है जिसके अंदर जो भी ये ट्राइंगुलर वॉल्स है ना वो हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है, जैसे जो होर्डिंग्स लगा देते हैं तो एक ट्राइंगल शेप के अंदर है. ठीक है, कह रहे और जो ट्राइंगल की साइड है वो हमारे पास एक गिवन है. देन कह रहे द एडवर्टाइजमेंट येल्ड ऑन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 मीटर स्क्वेयर पर ईयर. देन कह रहे अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months. ठीक है, हाउ मच रेंट डिड इट पे. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना रेंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, 3 months के लिए. साइड्स क्या है हमारे पास, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. ठीक है, साइड्स हैं तो हम पैरीमीटर निकाल सकते हैं ना. तो देखिए 2s हमारा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, विच इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज 2s इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120. ठीक है, यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास 2s कितना आ जाएगा, 264 मीटर. ठीक है, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 132 मीटर. ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारे पास इतना आ गया. तो जो एरिया है ट्राइंगल का उसके लिए हमें क्या चाहिए, s माइनस a विच इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा हमारे पास, 132 माइनस a इज 122 विच गिव्स 10 मीटर. ठीक है, ऐसे ही s माइनस b हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा हमारे पास s माइनस b, 132 माइनस ऑफ 22 विच गिव्स 110 मीटर. ठीक है, सिमिलरली s माइनस c विल बी 132 माइनस ऑफ 120 विच गिव्स 12 मीटर. ठीक है, तो हमारे पास ये सभी क्वांटिटीज आ गई हैं, बस हमें फॉर्मूले में इनको पुटअप करना है और सोल्व करना है. तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ s इज 132, s माइनस a इज दिस वन 10, s माइनस 2 इज 110 एंड s माइनस 3 इज c इज 12. ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1320 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया है वो ये आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 3 months के अकॉर्डिंग कितना रेंट होगा. तो देखिए हमारे पास जो एरिया है वो इतना आ गया. ठीक है, अब 1 meter square per year के लिए हमारे पास जो रेंट है वो कितना है, 5000. देन वी विल राइट द रेंट, द रेंट फॉर 1 meter square per year इज इक्वल टू 5000 रुपीज. ठीक है, पर मंथ हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, द रेंट फॉर 1 month और यू कैन राइट पर मंथ विच इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज. ठीक है, अब देखिए हमें 3 months के लिए कैलकुलेट करना है और इतने एरिए के लिए कैलकुलेट करना है. ठीक है, 1 meter स्क्वेयर एरिए के लिए 1 month के लिए तो इतना है हमारे पास, 1320 मीटर स्क्वेयर के लिए 1 month का हम निकाल लेते हैं, 3 months के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, द रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वेयर पर मंथ इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 1320. ठीक है, इतने रुपीस. तो अब हमें कैलकुलेट करना है 3 months के लिए, देन वी विल राइट द रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वेयर फॉर 3 months विच इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1320 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस 3. ठीक है, 3 4s are 12, 4 3s are 12, अगेन 4 3s are 12 एंड 0. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 times 0 16,50,000 रुपीज जो है वो रेंट आएगा 3 months के लिए किसी भी कंपनी को अगर यहाँ पर होर्डिंग लगानी है तो. ठीक है, आई रियली होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आपको समझ आया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.